नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सिंह, टेकबुल में आपका स्वागत करता हूँ। गाइस, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल फ्रीलैंसिंग में बहुत सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं, तो आपको मैं उन्हीं कुछ फ्रॉड्स के बारे में बताना चाहता हूँ और आपको उनसे बचाना चाहता हूँ। तो ये वीडियो पूरा देखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप फ्रीलैंसिंग में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट जरूरी है, ठीक है। आप इस वीडियो को स्किप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, जो नए नए फ्रीलांसर्स किसी पोर्टल को ज्वाइन करते हैं तो उनके साथ बहुत सारे ट्रिकी तरीके से फ्रॉड किए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं। तो पहला नंबर मैं बताऊं, एक सब्सक्राइबर है मेरे, उन्होंने मुझे कमेंट किया, मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी उन्होंने बोला डायरेक्ट कि एक्चुअली क्या है कि उन्हें एक बंदे ने जॉब दिया और वो कह रहा है कि भाई आप पहले मुझे एक टोकन अमाउंट सबमिट कर दो, उसके बाद जब जॉब कंप्लीट हो जाएगा तो वो रिफंड हो जाएगा। और वो उसे डायरेक्टली उन्हें सबमिट करने के लिए बोल रहा था, तो मैंने उन्हें साफ मना किया क्योंकि अगर आप किसी भी पोर्टल से अलग कुछ भी पैसा किसी को दे रहे हो तो उसमें वो पोर्टल जिम्मेदार नहीं है। और पहली बात, हम किसी के लिए काम कर रहे हैं तो हम अपना स्किल बेच रहे हैं। कभी आपने देखा है कि आप किसी शॉपकीपर के पास गए, उसने कहा कि आप ये कॉलगेट ले जाओ या फिर आप ये ले जाओ, इसकी वारंटी 2 महीने की है, या आप वॉच ले जाओ, इसकी वारंटी 2 महीने की है, तो आप उससे कहोगे कि मुझे 2000 रुपये जमा करा दो, कि मुझे 2000 रुपये जमा करा दो, अगर वॉच सही निकला तो मैं 2000 वापस दे जाऊंगा। ऐसा होता है? कहीं नहीं होता। तो वही चीज है, आप फ्रीलांसर हो, क्लाइंट आपसे काम करा रहा है, वो आपकी स्किल खरीद रहा है, आपको कोई पैसा किसी को नहीं देना। सबसे पहली बात फ्रीलांसर्स के लिए, पहला जो आपके लिए पहला पॉइंट है जो दिमाग में रखना है, आपको किसी को पैसा नहीं देना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी पैसा नहीं देना। आप काम कर रहे हो, आप पैसा नहीं दोगे, आप सिर्फ पैसा लोगे, ठीक है। तो ये चीज है, एक फ्रॉड तो ये हो गया। दूसरा मैं आपको बताऊं क्या फ्रॉड्स होते हैं, क्या चीट्स होते हैं क्लाइंट्स के थ्रू। दूसरे नंबर का फ्रॉड होता है कि आपने क्या किया, आपको एक जॉब मिला, आपको एक्सपीरियंस नहीं, आपको पता नहीं है, तो आपने जॉब खुशी खुशी में वो जॉब कर दिया। अब क्या हुआ, काम करके आपने वो काम सबमिट कर दिया, लेकिन क्लाइंट ने वो पैसे जमा नहीं किए थे फ्रीलांसर में या अपवर्क में, उसने एस्क्रो में पैसे नहीं डाले थे, और काम लेने के बाद वो वहां से भाग गया। तो आप क्या सोचोगे कि यार अपवर्क आपको पैसा दिलाएगा, फ्रीलांसर दिलाएगा, वो कुछ नहीं करते, वो भी मना कर देते हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है जब आप काम करो तो 40% अमाउंट काम स्टार्ट होने से पहले जमा करा लो क्लाइंट से, और 60% काम होने के बाद, यानी काम सबमिट करने से पहले वो 60% भी उससे ले लो, तब उसे अपना काम सबमिट करो। मान के चलो अगर मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूं तो मैं कैसे करता हूं, मैं अपना बता दूं मैं कैसे करता हूं। मान के चलिए मैंने एक प्रोजेक्ट लिया, 50,000 रुपये का एक प्रोजेक्ट लिया एग्जाम्पल के तौर पर। तो मेरा क्या हुआ, मैंने देखा कि भाई 50,000 का जो 40% बन रहा है वो समथिंग बनेगा, मेरे ख्याल में ये बनेगा तकरीबन 20,000 के आसपास बनेगा। तो मैंने क्या किया, क्लाइंट से बोला कि 20,000 रुपये आप जमा करो, मैं काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो अगर वो मना करे तो मैं साफ बोलूंगा कि आपको 40% जमा करना होगा, ये मेरे पास नहीं आएगा, ये फ्रीलांसर या अपवर्क के एस्क्रो में रहेगा, जब काम पूरा हो जाएगा तब मुझे मिलेगा, तो आपको ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं काम स्टार्ट नहीं करूंगा। उसके बाद जब वो 40% जमा कर दे तो मैं काम स्टार्ट करूंगा, जब मेरा 50% काम हो जाएगा तो मैं उससे कहूंगा कि सर अब आप नेक्स्ट माइलस्टोन पे कीजिए जो है 30% का, तो मैं उससे फिर 30% पैसे ले लूंगा। तो ऐसे करके मेरे पास 70% पैसा आ गया। उसके बाद जब काम कंप्लीट हो जाएगा मैं उसे कुछ डिटेल्स दूंगा और बोलूंगा काम कंप्लीट हो गया, बचे हुए 30% भी आप जमा कर दो, उसके बाद मैं उसे काम सबमिट करूंगा और रिव्यू लूंगा। तो ये तरीका होता है, आपको पहले एक माइलस्टोन पहले क्लियर कराना है, एक बीच में कराना है, और एक एंड में, अगर 3 है तो 4 है तो फिर उसके हिसाब से आपको मैनेज करना है। तो ये बहुत जरूरी चीज है। बहुत से क्लाइंट क्या करते हैं, काम करा लेते हैं और बिना पैसे दिए भाग जाते हैं, तो नए लोगों के साथ ये बहुत होता है, ये दूसरा फ्रॉड है, ठीक है। पहला फ्रॉड रिमाइंड करा दूं, लोग आपसे पैसा जमा करने के लिए बोलते हैं, नहीं करना। दूसरा फ्रॉड, लोग काम करा के भाग जाते हैं, बिल्कुल नहीं होने देना। तीसरा मैं आपको बता दूं, कुछ क्लाइंट्स बोलते हैं कि यार मतलब अपवर्क आपका 20% ले लेता है,
फ्रीलांसर आपका इतना परसेंट ले लेता है, तो आप हम क्या करते हैं, मैं आपको अपना ईमेल आईडी दे रहा हूँ, आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कीजिए, आप मेरे लिए डायरेक्ट काम कीजिए, तो मैं आपको बता दूं आप उस 20% को बचाने के चक्कर में अपवर्क से या फ्रीलांसर से या किसी भी पोर्टल से बाहर चले जाते हो, डायरेक्ट जीमेल से कॉन्टेक्ट कर लेते हो या स्काइप से कॉन्टेक्ट कर लेते हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अच्छे होते हैं, जो जेन्युइन आपको बाहर ले जाके पूरा पैसा देते हैं, लेकिन 60-70% और मैं कहूंगा 80% लोग ऐसे होते हैं जो चीट करते हैं, आपसे काम करा लेंगे और फिर आपको ना कोई रिस्पॉन्ड करेंगे, ना आपको पैसा देंगे और ना ही आपको दोबारा कॉन्टेक्ट करेंगे। वो ऐसे पता नहीं कितने हर बार एक नए फ्रीलेंसर को फंसाते हैं, हर बार एक नए फ्रीलेंसर को फंसाते हैं, फ्री में काम कराते हैं। तो ये फ्रॉड्स बहुत होते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तीन चीजें मैंने आपको बताई, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं। आप फ्रीलांसर हो, आप पैसे कमाने जा रहे हो, आपको किसी को कुछ नहीं देना, आपको काम करना है बिल्कुल रूल्स और रेगुलेशंस के थ्रू करना है। ये ध्यान रखना है कि आपके साथ कोई चीट ना हो। दूसरा, हर काम को करने से पहले सोचिए समझिए, अपना दिमाग भी लगाओगे ना तब बहुत सारी चीजों से खुद बच जाओगे। तो गाइस ये वीडियो यही था आपको कुछ फ्रॉड्स को चीट से बचाने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, और यार कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियोस कैसे हैं। कुछ डाउट्स थे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वॉइस का थोड़ा दिक्कत है, तो मैं आपको बता दूं यार मैं अभी गांव में हूं, तो उसकी वजह से मेरे पास यहां पे मेरे टूल्स नहीं है, मेरा माइक वगैरह, मेरा कैमरा वगैरह नहीं है, तो यहां पर मैं मोबाइल से ही काम चला रहा हूं, उसी का माइक यूज कर रहा हूं, तो यही दिक्कत है। बाकी मैंने एक माइक ऑर्डर भी किया है, एक दो दिन में आने वाला है। मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट वीडियो तभी बनाऊं, लेकिन ये वीडियो बहुत जरूरी था क्योंकि मेरे पास पिछले 2 वीक्स में कम से कम 5 से 6 लोगों ने कुछ नए फ्रॉड्स के बारे में डिस्कस किया, तो मुझे वो बताने जरूरी थे। ये 3 चीजों के बारे में बताना बहुत जरूरी था, इनसे बच के रहिए और फ्रीलांसिंग करते रहिए। आपको कोई दिक्कत आए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं टेलीग्राम पे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ इंस्टाग्राम के मुकाबले। हालांकि कोशिश करता हूँ मैं हर जगह एक्टिव रहूं, और व्हाट्सएप ग्रुप मेरा भरा पड़ा है, तो मत कीजिए कि व्हाट्सएप पे दूसरा ग्रुप बना दीजिए, मैं इतना मैनेज नहीं कर सकता। टेलीग्राम पे कोई लिमिट्स नहीं है, तो प्लीज आप टेलीग्राम आके ज्वाइन कीजिए, आपको जो भी दिक्कत होगी मैं 1-to-1 आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ये वीडियो यहीं तक था।